राजस्थान की धरती को दोरों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ असंख्य रेतीले दोरे हैं, जिसकी पहचान कर पाना असंभव है। लेकिन मरुभूमि कहे जाने वाले बीकानेर में एक दोरा ऐसा भी है जिसकी पहचान आप जरूर कर सकते हैं। ये है बीकानेर शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर बजरंग दोरा धाम, जो यहाँ बने बजरंग बली के मंदिर से पहचाना जाता है। यह स्थान हनुमान जी में आस्था रखने वालों के लिए एक विशेष स्थान है और इस मंदिर के बनने के पीछे एक भक्त की विशेष कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रामचंद्र जी नाम के भक्त ने प्रतिष्ठित की थी। बीकानेर के पुगल में रहने वाले हनुमान भक्त रामचंद्र जी को मास्टर जी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इन दोरों के बीच रहकर कई वर्षों तक तपस्या की और हनुमान जी की कृपा हो जाने के बाद यहाँ बजरंग बली का मंदिर बनवाया। ये मंदिर लगभग 65 साल पुराना है और रामचंद्र जी मास्टर जी बाबा जी थे, उन्होंने यहाँ इस मंदिर को बनाया था। वो पुगल के अंदर टीचर थे, उसके बाद वहाँ राव साहब से उनकी कोई अनबन हो गई, उन्होंने पुगल अपना सब कुछ वैसे का वैसे छोड़ के, वो सन्यासी थे आगे, उसके बाद दसूसर गेट पर उन्होंने एक स्कूल चलाई, वहाँ से उनको हनुमान जी के दृष्टांत हुआ और लगभग उन दोरों में घूमते रहे। उसके बाद विक्रम संवत 2015-16 के अंदर आज्ञा हुई और इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो बजरंग दोरा नाम है ना, ये इसीलिए बना कि दोरा बोलते हैं टीले को, बालू का जो टीला होता है उसको दोरा बोलते हैं, बजरंग का टीला मीन्स बजरंग दोरा। और जैसे जैसे इस मंदिर की स्थापना के बाद में लोगों को पता चला, मनोकामनाएं पूर्ण होती गई, वैसे वैसे ये मंदिर विख्यात होता गया। 2005 के अंदर इस मंदिर को बड़ा बनाया गया था और जैसे जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई हुई थी, उन्होंने कहा ये करना है वो करना है, उस हिसाब से आज ये सारा जन सहयोग से मंदिर बना हुआ है। बाबे के दरबार में एक बार पहले भी आया था, मैंने अर्जी लगाई थी यहाँ पर कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं हमारी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं बाबे के दरबार में सौ परिवार मैं अपनी बस लेके, बच्चों को लेके, पूरे परिवार को लेके बाबे के दरबार में आया हूँ और भगवान बाबा से प्रार्थना है कि हमारी फिर मनोकामना पूर्ण करे और मैं आने वाले समय में फिर पूरे सपरिवार को एक बस लेके आया हूँ, आने वाले समय में 2 बसें भर के लाऊंगा पूरे परिवार के साथ। जय बाबेरी, जय मंदिर में लगी बजरंग बली की प्रतिमा और यहाँ होने वाला श्रृंगार भी अपने आप में खास है। पारंपरिक श्रृंगार से हटकर यहाँ बजरंग बली के श्रृंगार में कपड़ों का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, ये प्रतिदिन श्रृंगार होता है बजरंग बली का, और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो सारा श्रृंगार आपके सामने अभी हुआ हुआ है, ये वस्त्रों का श्रृंगार होता है यहाँ पे। ये आपको लगभग भारत के अंदर कम मिलेगा। ज़्यादातर जो मंदिर होते हैं उसके अंदर जब अपने माले पहने और सिंदूर वगैरह जो होता है उसका श्रृंगार होता है। हमारे यहाँ वस्त्रों का श्रृंगार होता है, प्रतिदिन इसका श्रृंगार करते हैं भगवान का और इसके ऑनलाइन भी दर्शन भी करवाते हैं। अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से ही अलग अलग इस यहाँ का श्रृंगार होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो गर्म श्रृंगार चल रहा है, जो मखमल के वस्त्र हैं भगवान के, गर्म जो वस्त्र हैं वो बनाए हुए हैं, और गर्मी के अंदर जो हैं सूती वस्त्र वगैरह हैं उस हिसाब से कपड़े उसको काम में लेते हैं, और श्रृंगारों में भी अलग अलग बनाते रहते हैं। आज ये श्रृंगार हैं, धोती चोला भी बना देते हैं, कृष्ण रूप भी भगवान का बनाते हैं, शिव जी का भगवान का रूप बना देते हैं। तो कभी कभी इसको अलग अलग जो विशेषता है ये आपको बहुत कम मिलेगा। ये बजरंग बली बजरंग दोरा में ही आपको ये वस्त्रों का श्रृंगार मिलेगा, ये यूनिक श्रृंगार मिलेगा। शहर से दूर दोरों के बीच मंदिर की बसावट दूर से ही दिखाई देने लगती है। सुहाना मौसम हो या कड़ी धूप, यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आती है। मंदिर के प्रांगण में भक्त हनुमान चालीसा का गुणगान करते रहते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर कई भक्त यहाँ परिवार सहित हनुमान बाबा की धोक लगाने आते हैं, तो कई भक्त यहाँ मंदिर निर्माण के समय से लगातार आ रहे हैं। 41-42 साल से आ रहा हूँ। पहले आते थे टैक्सियों में, साइकिल पे, जैसे वहाँ अट्टे के पास
गाड़ियाँ खड़ी करते थे, वहाँ से आते थे पैदल। सर्दियों के टाइम में यहाँ ये सीढ़ियाँ बोई वगैरह जलाते थे, रास्ते में यहाँ आते थे। छोटा सा मंदिर था यहाँ। मैं आज कलकत्ते से आई हूँ। मैंने सुना था कि भाई बजरंग भोला बीकानेर में बजरंग भोला बहुत प्रसिद्ध है, तो मंदिर भी बहुत चमत्कारी है। तो मैं ही प्रार्थना करने आई हूँ कि मेरा भी काम सफल हो, और घूमने फिरने का जगह बहुत अच्छा है। आज आनंद ही आनंद हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार ऐसा जगह देखी हूँ कि ऐसा जगह कहीं देखे नहीं, नाम सुना है, आज देख के खुशी हो गए मैंने। हाँ, इस बजरंग भोले मंदिर से मेरी काफ़ी टाइम से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे आके एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ पे मैं, मेरी फैमिली लोग भी, बहुत लोग आते हैं। मेरे फ्रेंड्स के साथ कभी भी प्रोग्राम होता है हम यहाँ पे आते हैं। मंगलवार शनिवार तो ज़्यादातर आते ही रहते हैं। यहाँ मैं 25-30 सालों से आ रहा हूँ, और यहाँ जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो पूरी होती है। और ऐसे मुझे कई लोग मिल गए जिन्होंने जो भी बाबा से मांगा उनको मिला है। इसमें IAS RS बहुत ऊंचे लेवल के लोग भी यहाँ मिल चुके हैं, जिनकी आस्था है वो यहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं बाबा के चरणों में, और उनकी आस्था पूरी होती है। और ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पेड़ में लोग आके ये रोली बांधते हैं। ये आस्था है कि आपके जो मन में बात है वो कह के, आंख बंद करके, बाबा का ध्यान करके ये रोली बांध दो, उनकी आस्था पूरी होती है। और ये जो अखंड धूना है ये रामचंद्र बाबा का है, ये 60 साल पुराना धूना है। ये अखंड धूना है, मतलब ये कभी बंद नहीं होता। इसमें आग जो प्रकट होती है उससे सुबह और शाम जो आरती होती है, इस धूने से ही वो अग्नि ले जाके बाबा के घी लगा के वो आग आरती करते हैं। जैसे जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, यहां आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। मंदिर प्रशासन द्वारा पशुओं और पर्यावरण के लिए भी कई तरह के कार्य किए जाते हैं। अभी यहाँ आप आसपास देख लीजिए कि जितनी भी हरियाली आपको दिखाई दे रही है गुरु महाराज के टाइम से, उसके अलावा जो उनके भांजे ने बाद में जब गद्दी संभाली वो भी पर्यावरण प्रेमी रहे, उसके लिए भी उन्होंने पेड़ पौधे खूब लगाए। 2001 में वन विभाग में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें पानी बजरंग द्वारा विकास समिति द्वारा पिलाया गया, 5,000 पौधे उस वक्त लगाए गए थे। और आज की तारीख में बजरंग द्वारा के आसपास आपको मेरे हिसाब से 50,000 से पेड़ पौधे ज़्यादा मिल जाएंगे। और आप सामने बस्ती में चले जाओ, इधर चले जाओ, या यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जंगल में कहीं भी चलो जाओ, आपको पेड़ पौधे काटने वाले ही मिलेंगे, लगाने वाले नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर ये सारी गोचर भूमि है, तो गायों के लिए बजरंग द्वारा विकास समिति एवं भक्तों के सहयोग से लगभग 15 खेलियाँ अभी भी बनी हुई है, और उनमें अभी यहाँ कुएँ का निर्माण हो चुका है, इसलिए इस जो यहाँ का टैंक बना हुआ है उससे सभी में पाइपलाइन देकर पानी की व्यवस्था की गई है। ये जो पहले बना रामचंद्र जी मास्टर जी दादीज थे, उन्होंने बनाया, उसके बाद मेरे फादर जो थे ओम प्रकाश जी दादीज, वो उनके भांजे थे, उन्होंने उनको गोद लेके इस गद्दी को नियंत्रण चलाने की व्यवस्था की। अभी विगत में 4 माह हो गए, मेरे फादर का भी देहांत हो गया है, उसके बाद हम लोग ही इसको संभाल रहे हैं। रामचंद्र जी दादीज जो मेरे परदादा जी हैं थे, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, स्थापना की गई मूर्ति की। उसके बाद दादाजी ओम प्रकाश दादीज, उन्होंने यह सेवा की, और अभी वर्तमान में मेरे पिताजी और चाचा जी पूजा कर रहे हैं यहाँ। मंदिर के आसपास सफाई व्यवस्था और पौधारोपण वृक्ष और गायों के लिए, स्वादों के लिए, ये निरंतर अभी सर्दी में चल रहे हैं। और उसके अलावा भी सामाजिक और धार्मिक आयोजन कई होते हैं, तो विकास समिति द्वारा सहयोग किया जाता है। और मुझे भी कई बार यहाँ बहुत कुछ, एक अदृश्य शक्ति है जो दिखने में तो नहीं आती लेकिन महसूस करते हैं हम लोग। तो
बाबा के बारे में जितना हम कहते हैं वो बहुत कम है। बजरंग दोरा मंदिर के प्रांगण में खुली हवा और शांति का अनुभव यहां आने वाले भक्तों को मोहित कर लेता है और बजरंग बली से जुड़ी आस्था यहां इन्हें हर बार खींच लाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी राधे कृष्ण ओझा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।